लो हेमोग्लोबिन लेवल्स, ऐसी भी कोई चीज़ होती है? ये तो हम भूल ही गए थे आजकल, क्योंकि हमारा फोकस आज की डेट में ज़्यादातर रह गया है डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, ऐसी बड़ी बीमारियों में। पर लो हेमोग्लोबिन के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं और बहुत कम लोग इसको इम्पोर्टेंस देते हैं। बट अब से आपको इसके बारे में ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो कल को बहुत बड़े इशू का रूप ले सकती है। अगर आप भी बहुत जल्दी थक जाते हैं, आप भी नोट करते हैं कि ज़रा सा काम करने पे, ज़रा सा चलने पे सांस फूलने लगती है, बहुत बारी ऐसा होता है कि आप खड़े होते हैं तो आँखों के आगे ब्लैक डॉट डॉट आता है और एक सेकंड के लिए चक्कर आते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो अपना हेमोग्लोबिन लेवल चेक कराएं। काफ़ी हद तक चांसेस है कि आपका हेमोग्लोबिन लेवल कम है, आयरन डिफिशियंसी है। हमें क्या करना है, आपको मैं सिंपल होम रेमेडीज बताती हूँ, क्योंकि हम मेडिसिन पे डिपेंड होना प्रेफर नहीं करते। तो आप क्या करें, घर पे एलोवेरा का प्लांट उगाएं, वीट ग्रास उगाएं। आपने क्या करना है कि थोड़ा सा वीट ग्रास कट करके मिक्सी में डालना है और एलोवेरा पल्प 2 टीस्पून मिक्सी में डालना है। मिक्स करें इन दोनों को 30-40 ml वाटर के साथ ग्राइंडेड, और इसको रोज सुबह पीजिए एम्प्टी स्टमक। इट्स माई एश्योरिटी अगर आप इसको डेली फॉलो करेंगे, इसको अपने रूटीन में इंक्लूड करेंगे, 2 months में आप देखेंगे कि आपका हेमोग्लोबिन लेवल इम्प्रूव हुआ है। इनफैक्ट आप मोरिंगा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं इसमें, अगर आप अपने एनर्जी लेवल्स को और इम्प्रूव करना चाहते हैं।